हेलो फ्रेंड्स, T20 वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया का सामना होने वाला है यूएसए की टीम से, और यूएसए की टीम ने इस टूर्नामेंट में गजब की परफॉर्मेंस दी है। एक तो यूएसए जो है वो होस्ट कंट्री है, मेजबान देश है जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है यूएसए की परफॉर्मेंस। और क्या इंडिया को यूएसए से सावधान रहने की जरूरत है? क्या यूएसए ने जो खेल करा पाकिस्तान के खिलाफ, वैसा ही भारत के खिलाफ भी हो सकता है? तो आज इसी पहलू पर चर्चा करेंगे कि यूएसए की टीम कितनी खतरनाक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो विकेट हैं उसमें लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, नॉट ओनली इन यूएस बल्कि वेस्ट इंडीज के विकेट्स की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी लो स्कोरिंग क्रिकेट हो रही है। और जब गेम लो स्कोरिंग होता है तो इट कैन बी आइदर वे, वो किसी की तरफ भी जा सकता है, इंडिया की तरफ भी जा सकता है, यूएसए की तरफ भी जा सकता है। लेकिन कमिंग टू द यूएसए परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि यूएसए ने पाकिस्तान को हराया इस वर्ल्ड कप में, और उसके बाद जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो संभल नहीं पा रही है। पाकिस्तान की जो टीम है उनका जो मोरल है, कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है, जो कि हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा कि सब कुछ उनके पक्ष में था, उसके बाद भी जो था पाकिस्तान की टीम हार गई। तो जो मैच खेला गया था अगेंस्ट पाकिस्तान उसमें 159 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, और उसके बाद यूएसए ने 159 का स्कोर जो था पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी के खिलाफ भी 159 तक वो पहुंच गए थे। मैच हो गया था दोस्तों ड्रॉ, उसके बाद मैच सुपर ओवर में गया था जहां पर कि मोहम्मद आमिर को गेंदबाजी मिली, 18 रन यूएस के बल्लेबाजों ने बनाए थे, और फिर जो पाकिस्तान की जो टीम थी वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान के 7 बल्लेबाजों को यूएस ने आउट किया था। अगर मैं यूएस के टीम की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि लगातार गेंदबाजों का इम्तिहान ले रहे हैं और जिन पर नजर रहेगी भारत के खिलाफ मुकाबले में भी। एड्रिस गॉस की अगर बात करूं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन बनाए थे, 5 छक्के 1 चौके थे उसमें। एरन जोन्स की अगर मैं बात करूं, उन्होंने 36 रनों की पारी खेली थी, 2 चौके 2 छक्के लगाए थे, और एरन जोन्स ने मैच को बिल्कुल लास्ट लम्हों में, जहां पे लग रहा था कि कहीं स्लिप ना हो जाए, इनएक्सपीरियंस की वजह से स्लिप ना हो जाए मैच को, उसको वापस यूएसए की तरफ मोड़ दिया था। मोनांग पटेल हैं, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, 50 रनों की उन्होंने पारी खेली थी। और नीतीश कुमार जिन्होंने इंपॉर्टेंट यानी कि हारिस रऊफ की जो गेंद थी, जो आखिरी गेंद थी, उस पर चौका लगाकर मैच को जो था वो टाई करवा दिया था। तो ये तमाम इनके खिलाड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों इनके पास कॉरी एंडरसन जैसा खिलाड़ी है। कॉरी एंडरसन जो एक वक्त क्रिकेट में अगर फास्टेस्ट सेंचुरी की बात की जाए तो उसमें उनका नाम था। तो कॉरी एंडरसन इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के लिए खेलते रहे हैं, यहाँ पे फिनिशर का रोल वो निभा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, सौरभ नेत्रवालकर जिन्होंने कि सुपर ओवर डाला था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से वो लाइमलाइट में आ गए हैं। मुंबई के हैं वो, मतलब मुंबई के बॉर्न हैं, लेकिन अब तो वो क्रिकेट जो है वो यूएसए के लिए खेल रहे हैं, तो उनकी गेंदबाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यूएसए ने अपने अभियान की शुरुआत जो थी वो की थी कनाडा के खिलाफ मुकाबले में, और वो जो कनाडा वाला मैच था दोस्तों उस मुकाबले में 194 रन कनाडा ने बनाए थे, और यूएसए ने उसमें चेज कर लिया था उस मुकाबले में, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो था एरन जोन्स का, क्योंकि एरन जोन्स ने उसमें 94 रनों की पारी खेली थी और एड्रिस गॉस ने 65 रनों का उसमें योगदान दिया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं, एड्रिस गॉस और एरन जोन्स, और एरन जोन्स तो नीति भी है यूएस के, बड़े हार्ड हिटर है। 94 रन उन्होंने बनाए थे 40 गेंदों में, 4 चौके और 10 छक्के लगाए थे उस मुकाबले में इन्होंने, और मैंने जैसा कहा कि इनके पास फिनिशर के तौर पे कॉरी एंडरसन भी मौजूद है। तो दोस्तों यूएस की टीम में तो दम है, और दम ये है, ये भी है ना कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप इस वर्ल्ड कप में आपने कनाडा को हरा दिया, 194 रन जो थे वो आपने चेज कर लिए, देन आप पाकिस्तान के खिलाफ आए जो कि एक बहुत बड़ी टीम है, उसको आपने घुटनों पर ला दिया, सुपर ओवर में उसको मात दे दी, तो कॉन्फिडेंस जो है वो यूएस टीम का बढ़ा हुआ है, और भारत को भी यूएसए से सावधान रहने की जरूरत है। वॉइस आजकल, आवर मीडियम, योर मैसेज। फिजी टाइम्स, बी विद द टाइम्स।